अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अलग अलग होर्डिंगें लगती रहती हैं। रहा सवाल दिल्ली जाने का, तो हर नेता का सपना होता है कि हम सीएम बन गए तो पीएम बने, तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने के लिए काम करना बहुत जरूरी बात होती है। तो काम तो है नहीं, सपना दिल्ली का है, तो सपना देखना अच्छी बात है। भावी प्रधानमंत्री उनके लोग उनको बता रहे हैं होर्डिंग में। अब उनके लोगों की सोच है तो उनके लोग काम भी तो उस तरह करें, खाली यूपी में लड़ करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। यूपी में 80 लोकसभा है और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है और हमें पूरा भरोसा है कि 80 लोकसभा जीतेंगे। ये हंसी के पात्र बन रहे हैं, जो स्थितियां पैदा हैं उसमें हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं और कोई कुछ है नहीं। क्या लगता है अखिलेश यादव कब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने और माननीय योगी जी के काम के दोनों लोगों के जो गरीबों के उत्थान की योजनाएं हैं, उस योजना और गरीबों के काम जो हैं उसके सामने पूरा विपक्ष फेल है, तो कैसे हम मान लें? आज उत्तर प्रदेश में वो 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, यहां तो ओम प्रकाश राजभर साथ हैं, संजय निषाद जी साथ हैं, अनुप्रिया पटेल जी साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी, और समाजवादी पार्टी के साथ कौन है? कोई नहीं है। जो लोग हैं भी वो एक वोट दिलाने की हैसियत नहीं यूपी में रखते हैं। गठबंधन के भी हिस्सा हैं और गठबंधन में क्या लगता है कि बाकी लोग इनकी इस बात से मानेंगे कि बीते दिनों गठबंधन में भी काफी उठापटक देखी गई थी? देखिए, जो गठबंधन विपक्षी है, विपक्षी गठबंधन में अलग अलग स्टेटों में अपना अलग अलग नेताओं का प्रभाव है, वो पूरे देश में प्रभाव नहीं है, इस नाते उस गठबंधन में कोई दम नहीं है। सर, अभी देखा गया कि आजम खान को सजा हुई, सजा होने के बाद फिर जेल बदल दिया गया, एनकाउंटर का डर उन्होंने बताया। पहले जब आजम खान जेल में बंद थे, तब आप जब समाजवादी पार्टी के साथ 2022 का चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने भी उनके लिए आवाज उठाई थी, आप मिलने के लिए भी जाने वाले थे, अभी आपका क्या रुख है उनकी सजा पर? देखिए, अदालत का फैसला है, उसको सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं। और रही बात जहां जेल बदलने की, तो सुरक्षा के दृष्टि से जेल में तब्दीली होती रहती है। एनकाउंटर का डर उन्होंने बताया, ऐसा कुछ नहीं है, वो निर्भीक होकर के रहे, ऐसा कुछ नहीं है। निर्भीक होकर जेल में रहे? हाँ भाई, अब अदालत का आदेश है तो जेल में नहीं रहेंगे तो बाहर तो रह नहीं सकते। कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके लिए बदले की कार्रवाई हो रही है, मुसलमान है इसलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। तो जब जन्मतिथि बदली कब गई? समाजवादी पार्टी की सरकार में ही ना जन्मतिथि बदली गई, उस समय ये नहीं सोचा गया कि आगे हो सकता है कभी कोई जांच बैठ गई, जांच हो गई तो जांच में रिजल्ट क्या आएगा? वो मुसलमान वाला एंगल दे रहे हैं कि नहीं, वो गलत है, वो इस बयान को गलत बोल रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए बोल रहे हैं कि मुसलमान का वोट हमसे छिटके न बिटके न, इसके लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। कहते पूरी पार्टी और खुद अखिलेश यादव काफी मेहनत कुछ कर रहे हैं कि आजम खान जेल से छूटे, क्या उनके लिए कुछ मेहनत करी जा रही है उनकी मदद के लिए? एक भी आंदोलन बता दीजिए जो आजम खान के लिए हुआ हो, एक भी आंदोलन बता दीजिए कि जो आजम खान के लिए हुआ हो। ये सिर्फ वोट के लिए आजम खान का इस्तेमाल होगा, अबू आजमी का इस्तेमाल होगा, लेकिन तो आजम खान और अबू आसिम आजमी को ये बात नहीं समझ में आ रही है क्या? अब वो उनका विषय है, वो अपनी राजनीति करने के उद्देश्य से उनके साथ छपने हुए हैं। काफी सवाल है, अभी जिस तरह से बीते दिनों मदरसों की जांच हुई थी, अब इंटरनेशनल फंडिंग को लेके और जो बाहर फंडिंग्स आ रही है उसको लेके एटीएस पूरी जांच करेगी पूरे मामले की, एसआईटी भी गठित कर दी गई है। देखिए, एटीएस मदरसे की नहीं, जहां भी उसको शक हो रहा है कि विदेशी फंड यहां
आकर के उपयोग हो रहे हैं, तो उस पर हर जगह जांच हो रही है। विशेष करके जो मदरसों की रिपोर्ट थी उसके ऊपर आधार पर मदरसों की करी जा रही है? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरी कमेटी गठित कर दी गई? कमेटी तो हर जहां भी जुगाड़ आ रहा है वहां कमेटी गठित हो रही है, हर जगह जहां भी जानकारी हो रही है। तमाम जो आतंकवादी संगठन है उसकी भी जांच हो रही है, उस पर भी कमेटी गठित भी है, किसकी जांच करो पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी बैंकों को आपने देखा तो मदरसों में कुछ ऐसा है कि जिसकी, अब वो जांच का विषय है, जांच में आएगा। हम थोड़े देख रहे हैं वहाँ, हमारे पास ट्रांसफर के लिए जो विदेश से पैसा आता है हम थोड़े देते लेते हैं।